मान से नवाजें और अगर मैं किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता हूं तो यही मेरे लिए जीवन की जीत हो। बिल्कुल सही कहा, आदमी को सेटल होना बहुत जरूरी है, उसके पैसे कमाना जरूरी है, पर जो ये आज आप लोग कर रहे हैं हमारे लिए, ये सबको नसीब नहीं होता है। समझ आ रही बात है? यस सर। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आप सारे बच्चे, इतना प्यार आप लोगों से मुझे मिला, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम जब मिले सर फॉर्मल टीचर से आप बोलते हैं वैसे ऐसे मत बोलो, ऐसे आप बोलिए सर, ज्यादा नहीं से मिले। हमारा ये एक ही था कि आप सबको एक आपके मुकाम तक हमें पहुंचाना है। अब उसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी भरपूर प्रयास करो। मुझे असली खुशी, मुझे भरपूर खुशी तब मिलेगी जब आप आके मुझसे बोलोगे सर हमारा सपना आज पूरा हो रहा है। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि हमेशा एक सपना देखो, उस सपने के पीछे भागो। पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं, तो ऐसा नहीं करना। आज सब सपने देखो, भगवान ने बहुत अच्छी हमें एबिलिटी दी है कि हम एक सपना देख सकते हैं और सपने के पीछे लगातार काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपको जितनी मदद हमारी तरफ से हो सकती है हम हमेशा सदैव करने के लिए तैयार रहेंगे। आज आप लोग ने इतना कुछ किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको। लेकिन याद रखिएगा असली खुशी मेरी उसी दिन होगी जिस दिन हमारे और उसी मैं पार्टी दूंगा और आप जहाँ बोलोगे वहाँ मैं गरीब बहुत मानता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ ये बात मानता हूँ लेकिन उस दिन आपकी जो डिमांड होगी वो मैं जरूर पूरी करूंगा। और ऐसा नहीं है कि आप बस यहाँ से जाने के बाद जिंदगी भर का एक अटैचमेंट हो जाता है सर। हम हमेशा याद करते हैं, देखो हमारा वो बच्चा था। जरूरी नहीं कि यहाँ से निकलने के बाद सब गूगल के सीईओ बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई एक अच्छी नर्स बनेगी, डॉक्टर बनेंगे ऐसा ही करना। और आप सब वहाँ पर बनो तो मैं गर्व से कह सकूं कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए बच्चे हैं। समझ आ रही बात? स्टार्डम आप ही फील करते हो। सचिन तेंदुलकर को देखा है, रमाकांत आजरेकर जी ने सिर्फ उनको 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग दी सचिन, उसके बाद वो कहाँ गया था? नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने लगा। लेकिन आज भी अगर उसका कोई इवेंट होता है तो अपने गुरु को साथ जरूर लेके आता है। जो कमाया किसने कमाया, आप याद रखना, आप जो भी बनोगे अपनी मेहनत से बनोगे। हमारा तो कैसे थे सही हो गया आप लोगों के लिए और उसमें हम पूरी ईमानदारी दिखाने की कोशिश करेंगे। समझ आ रही बात? लेकिन याद रखिएगा मेरी असली खुशी पता है कब है? जब हमारा सिलेक्शन होगा। निकल के दिखाओगे, सिलेक्शन नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है, फिर भगवान के हाथ में छोड़ो। अपने आप को जस्टिफाई कर पाओ, कभी कास नहीं बोलना पड़े। तुम लोगों को पता है अंदर से कभी कभी इतनी खील उठती है, इतनी ज्यादा खील उठती है कि यार नहीं यार उस टाइम समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। उस टाइम अगर शायद थोड़ा सा पढ़ लेता या थोड़ा सा और कर जाता तो शायद बहुत अच्छा कर लेता। कई बार अपने साथ वालों ऐसा कुछ नहीं, आई एम जस्टिफाइंग माई लाइफ। आज सब कुछ है भगवान की दया से मेरे पास और जो मैं चाह रहा हूं वो होता भी जा रहा है। लेकिन कई बार बैठे बैठे जब अकेले होते हैं मन में एक चीज आती है काश, और वो काश वर्ड इतना कचोटता है, मन मसोटता है ना कि काश यार वैसा नहीं किया होता, काश उस दिन क्लास चले गए होते, काश उस दिन नहीं छोड़ा होता, काश ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा। और कसम खा के कह रहा हूं जब से कॉलेज से निकला हूं अभी मैंने काश नहीं बोला, जो किया मैंने खुद ने किया ना, अपनी इच्छा से किया ना, तो काश क्यों बोलू, क्यों बचता हूं? जो भी काम करता हूं फाड़ के करूंगे। तभी तो लोग फोड़ बोलेंगे नहीं अरे हाँ यार हाँ। आप लोग भी वैसे बनोगे ना सबके साथ। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर।